Por eso, ¿no? अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ तुम कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्बीता कोई और सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सोना होना मैं। ओ वीरे अंकल का काला चश्मा गुम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं, तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूं गुन्ने। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। नमुगा ते बिन्ने मदले बन इन्ने कुंड वाली शल्यो इले रंडे रे। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, अंकल जी एटा कोटडो तलुपी रूपो गलदो एम कावाली। वो काला चश्मा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया। अरे बाथरूम की नीले रावट ले दो, इनका कलजोड़ अखंड दोस्त नहीं। मामा अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा ऑलरेडी कल जोड़ देते नाने नोड ले ब्रो, वो तो नहीं उड़को हमें ना तोड़ देने। सब मुझे मामा क्यों बना रहे आज? अरे छेले दूर तो माता खराब हो गया थे, एक जन ऐसे एक का प्रश्न कर चे पौर जन ऐसे से एक ही प्रश्न कर चे। आपने ये सनग्लास को तो देखे चे? यार ले कंडे ले बार बार फोन क्यों करता है? ओ अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, Stay home, stay safe. इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।